मनुष्य विचित्र प्राणी है। चार दीवारों को खड़ा करके उसे घर कहता है। उसका कर्म क्षेत्र होता है लोगों से मिलना, काम करना। इसी से वो अपने आप को बहलाता है। इसी कल्पना से वो कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है, पर्वतों के शिखरों पर या समंदर की गहराइयों के भीतर। शरीर तो एक लगाम है, यही तो कल्पना के घोड़ों को रोक लगाता है। कल्पना किसी की भी हो सकती है, पृथ्वी की, आकाश की, सूर्य की, तारों की। सूर्य जन्म लेता है और मिटता भी है। हर साल वर्षा आती है और जमीन भिगोकर जीवन को एक और अवसर देती है। कभी बाढ़ आती है तो कभी तूफान, पर जन्म और मृत्यु का यह चक्र तो निरंतर चलता ही रहता है। ब्रह्मांड और काल का भी निर्माण हुआ था और इनका भी रास होगा। ये जो सारा रिसर्च है, इससे हमें पता लगता है कि तारों के बीच के फासले बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तेजी से ये तारे दूर हो रहे हैं, उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये सब एक बिंदु पर कितने सालों पहले थे, और उसी क्षण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ऐसा मेरा मानना है। मेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम की थियरी यही कहती है कि द यूनिवर्स वॉज बॉर्न 20 बिलियन ईयर्स अगो। मेरी थियरी को रिसर्च के आधार पर टटोलो एंड चेंज इट विद द टाइम्स। प्रोग्रेस होनी ही चाहिए, क्योंकि जब विचारों की प्रगति बंद होती है तो मानव जाति की अधोगति की शुरुआत होती है। इंसान के विचार उसका अस्तित्व है। यह अवार्ड मुझे नहीं, असल में मेरे विचारों को दिया जा रहा है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू। Thank you very much. Welcome, ladies and gentlemen. I think Professor Brajesh Shastri को तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। अपनी physical disabilities के बावजूद इन्होंने astrophysics को एक महत्वपूर्ण contribution दिया है। खासतौर से मैं ब्रजेश को बचपन से जानता हूं। ब्रजेश जब स्कूल में था, अपनी क्लास में चाहे वो स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई, सबसे अव्वल आया करता था। बट अनफॉर्चुनेटली कॉलेज में आने के बाद ये डिस्कवर हुआ कि इन्हें मोटर न्यूरॉन डिसीज है। साथ ही डॉक्टरों का कहना था कि ब्रजेश इस दुनिया में कुछ महीनों तक ही रहेगा, लेकिन आज इतने सालों बाद ब्रजेश ने अपने विल पावर के बल पे अपने जीवन पर विजय प्राप्त की है। यही नहीं, इसने अपनी कड़ी मेहनत, तपस्या और लगन से पूरी दुनिया को एक नई साइंटिफिक थ्योरी भेंट की है। एंड आई एम प्राउड टू से इसकी ये थ्योरी इज एट पार विद द थ्योरीज ऑफ आइंस्टाइन एंड न्यूटन। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि प्रोफेसर ब्रजेश शास्त्री जैसे महान साइंटिस्ट ने हमारे देश में जन्म लिया। आज हम सब लोग इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड प्रदान करते हैं। साथियों, गिव ए बिग हैंड फॉर प्रोफेसर ब्रजेश शास्त्री, कम ऑन। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। अब मैं उपस्थित पत्रकारों को आमंत्रित करता हूं,
कि अगर वो प्रोफेसर ब्रजेश शास्त्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो प्लीज पूछें। ओवर टू प्रेस। सर, ये अवार्ड मिलने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ग्रेट। सर, हैंडीकैप होते हुए भी आप इतना रिसर्च कैसे करते हैं? रिसर्च करना दिमाग का काम है, शरीर का नहीं। नहीं तो WWF के रेसलर्स मुझसे कहीं अधिक रिसर्च करते। सर, आपकी व्हीलचेयर आपकी जिंदगी बन चुकी है, क्या इसके बगैर आप अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं करते? व्हीलचेयर तो मेरी अर्धांगिनी है। क्या आप चाहते हैं कि जो सर क्या आपको ये लगता है कि ब्लैक होल्स में एनर्जी एंड मैटर का सम टोटल कांस्टेंट रहता है? बट ऑफ कोर्स, आप जर्नलिस्ट को भी एस्ट्रोफिजिक्स आने लगा, वाह। थैंक यू सर। वैसे साइंस मेरा पैशन है और जर्नलिज्म मेरी हॉबी। मैंने एस्ट्रोफिजिक्स में MSc किया है। ग्रेट, जर्नलिस्ट और साथ साथ साइंटिस्ट भी, गुड। प्रोफेसर, नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने काम पर ध्यान दो, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स और दे विल ओवरकम यू। क्या काम था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। प्रोफेसर ब्रजेश, क्या आप बता सकते हैं कि आपको इस आविष्कार की प्रेरणा कहां से मिली? प्रोफेसर शास्त्री, आपकी साइंस की दुनिया में प्रोफेसर शास्त्री, कैन यू प्लीज टेल अस? हां शास्त्री जी, बताइए, क्या आप बता सकते हैं प्लीज? साहब जी काफी थक गए हैं, अब उन्हें और तकलीफ मत दीजिए। क्या हुआ रोहित? मैं देखता हूं। क्या हुआ श्यामलाल? साहब जी बुला रहे हैं। ठीक है चलो। रोहित, नए ट्रेनी की पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करना था। सर अभी तो मुझे एक खास फैमिली फंक्शन में जाना है। आई एम ऑलरेडी लेट। सो साहब जी, रोहित जी को काम के अलावा काफी काम रहने लगा है, आप हमारी बात मानिए, जो आपको ठीक लगता है वही कीजिए। अगर आप इस रोहित जी के चक्कर में पड़ेंगे ना सर, तो अपने इंस्टीट्यूट का भला नहीं होने वाला। क्या सोच रहे हो? कोई तो आएगा ही। डोंट वरी, जो भी अपॉइंट होगा उसे तो 2 दिन में ही हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीफनसन रिसर्च ग्रांट के फाइनल इंस्टॉलमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर करने को कहो। जी, आपने जो इंटरव्यू लेटर के बारे में कहा था वो रेडी है सर। पोस्ट देम। जी। स्वीटहार्ट, जरा इस $1 million स्माइल की वजह हमें भी तो बताओ। इंटरव्यू है, मुझे बुलाया है इंस्टीट्यूट ऑफ प्योर साइंसेस ने। वाओ, कांग्रेचुलेशंस श्रेया,
ये वही तुम्हारे वाले साइंटिस्ट का इंस्टीट्यूट है ना? ओ वाओ श्रिया, ग्रेट श्रिया, कंग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. थैंक यू. नेक्स्ट मिस्टर डोमिनिक. गुड, your academic qualifications are quite impressive. Goals? Yes, sir. Well, sir, आपके goals के बारे में जानना चाहते हैं. Sir, मेरा personal interest interstellar physics में है. आपने इस विषय में काफी research किया है, और मैं इस research को सिर्फ आगे बढ़ाना चाहती हूँ. Well, आपकी इस institute से क्या उम्मीदें हैं? Sir, मैं ये चाहूंगी कि मुझे यहाँ इंडिपेंडेंट रिसर्च करने का मौका मिले. ओके श्रेया, इट वाज नाइस मीटिंग यू एंड वी विल लेट यू नो. थैंक यू सर. मुझे नहीं लगता ये लड़की हमारे इंस्टीट्यूट के लिए ज्यादा कुछ कर पाएगी. बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्टिक है. लीजिए. मैं तो कहता हूं आपसे, सर को यह काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था. यही तो, इन लोगों को काम से कुछ लेना देना है ही नहीं, सिर्फ फैमिली फंक्शन में लगे हैं. अरे ऊपर वाला जानता है कैसे कैसे फंक्शन करते हैं. अच्छा, इन दोनों में रिसर्च करने की काबिलियत तो है नहीं. बिल्कुल सही कह दिया आपने. श्रेया मैडम. जी. मैं सुषमा. वेलकम टू द इंस्टीट्यूट ऑफ प्योर साइंसेज. थैंक यू. गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग. इनसे मिलिए, ये है सुषमा मैडम और मैं नरेंद्र हूँ. लगता है मुझे यहाँ पहले से सब लोग जानते हैं. क्यों नहीं, आपकी तारीफ जो सुनी है. अच्छा, मिस्टर रोहित कहाँ है? आइए आइए. अरे आइए आइए ना आइए. सर, श्रेया मैडम आई है. ओके, सेंड हर इन. ओके सर. सो आज आप हमें ज्वाइन कर रही हैं, वेलकम. प्लीज हैव अ सीट. सो Congratulations to you from me and my colleague Nina. Thank you, sir. अब काम की बात. मैं आपका सीनियर होने के नाते I'll try to explain to you your duties and responsibilities. Okay? Yes, sir. Well. राम नाम सुखकारी, राम नाम सुखकारी. हाँ श्रेया. Yes. क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ नरेन, तुम एक काम करो, ये जो टेबल है ना, वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दो. क्या सुषमा जी? हा? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था. है? आप तो सच में काम करवाने लगी. अच्छा, कर रहा हूँ कर रहा हूँ. चलो चलिए जल्दी. कुछ लोग तो जोक भी नहीं समझते हैं. इसे है ना, हर समय मजाक ही सोचता रहता है. अरे काम भी तो करता हूँ. अच्छा, अरे देखो ये अजीत जी आ गए, इन्हीं से पूछ ले. क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं? अरे अजीत जी वो है ना. सर सर सर, रोहित जी को फाइल देनी है. सर रोहित जी को फाइल देनी है. सर देखा शेर कैसे बिल्ली बन गया. Sir, the reading is 30 microns.
चेक इट अगेन। सर रीडिंग 30 माइक्रॉन्स ही है लेकिन यहाँ एक फिशर बना है। सर अगर इसका हम डायमेंशन निकाल दे तो रीडिंग 23 माइक्रॉन्स बनेगा। गुड वर्क। अब रिजल्ट अकॉर्डिंग टू पैरामीटर है। रोहित फॉर्मुला इलिनोआ के पार्टिकल एक्सेलरेटर ने एक टेस्ट की रिपोर्ट भेजी है। उन्हें एनोमली नजर आई है। अभी चेक करें। सर मुझे मेरे एक एक्सपेरिमेंट की अर्जेंट रीडिंग लेनी है, क्या कल तक? फाइल यही रहने दो। यस सर। What do you say? Family function. लैब बंद करने का टाइम हो गया। हाँ लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या मैं थोड़ी देर तक रुक सकती हूँ प्लीज? ठीक है मैं रुकती हूँ और अजीची को बोलती हूँ कि वो बाकी लोगों को बोले कि वो लोग चले जाएं। थैंक यू सुषमा जी। सुषमा जी कॉफी? चलेगी। ओके Yes. सब बंद कर दिया है मैडम। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। कॉफी प्लीज। थैंक यू। ओके साहब जी, खाना कब लगाऊं? बाद में, तुम खा लो। अगर मैं खाना खा लूं, फिर तो आप खाना ही नहीं खाएंगे। मैं रुकता हूं आपके। ओके, आधे घंटे में खाना खा लेंगे। सुषमा जी चले? हो गया आपका काम? जी आप जाइए और सर को अपना रिजल्ट दिखा दीजिए। इस वक्त इतनी रात को? अरे सर सोते ही कहाँ हैं? आप जाइए वरना सर नाराज हो जाएंगे। नहीं सुषमा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। जाइए। थैंक यू। साहब जी श्रेया मैडम आई हैं। इतनी रात गए? सर आपने जो फाइल रखी थी मैंने उस पर काम किया है,
मुझे लगता है शायद वो एनोमली एक नए अनडिस्कवर सब एटॉमिक पार्टिकल की वजह से है। गुड, वेरी गुड। श्यामला, अजीत को कहो श्रेया को घर छोड़ दे। जी साहब। सर, सुषमा भी मेरे साथ रुकी हैं। हम दोनों चले जाएंगे। दोनों को छोड़ने को कहो। हाँ साहब जी। आइए श्रेया मैडम, आइए। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। साहब जी, लड़की बहुत मेहनती है, बहुत होनहार है। नहीं सर, अभी तो श्रेया मैडम नहीं आई है। ओके। अभी अभी आई और अभी से लेट। हेलो। हाँ, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्ते रोहित जी। हाँ सर, कब तक आएंगे? वो उनका काम भी करना है ना। रोहित जी, शायद अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कल रात श्रेया मैडम ने वो काम पूरा कर दिया है। हाँ, और साहब जी ने कहा है कि श्रेया मैडम शायद लेट आएंगी। अच्छा ठीक है, मैं बाद में सर से मिलता हूँ। हाँ ओके। पार्टी में क्या हुआ था? मजा आया था? I enjoyed a lot. Good morning, रोहित जी। Yeah, good morning. रोहित, सुषमा कह रही थी कि काफी अच्छा इंप्रेशन डाल रही है सर पर। हम तो गधे ही रहेंगे हमेशा। पर द ग्रेट रोहित जी का क्या? हाँ? Enough. Come on यार, forget it. देखते हैं कब तक इंप्रेशन डालती है। चलो आओ। चलो भी। सर ने बुलाया था। एक मिनट। साहब जी, श्रेया मैडम आई है, भेजता हूँ, मिल लीजिए। श्रेया, तुमने जो काम किया है बहुत अच्छा है। आई लाइक इट, गुड वर्क। थैंक यू सर। देखो श्रेया, बहुत से सपने हैं, मंजिलें हैं, जिन्हें शायद मैं अकेले, अगर तुम साथ दो तो देर इज अ लॉट वी कैन डू फॉर साइंस। सर, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? गुड। तो फिर कल से तुम डायरेक्टली मुझे ही रिपोर्ट करो। यस सर। काका, काका, राम राम काका। राम राम। और काका कैसे हैं? बस अच्छा हूँ। और साहब जी कैसे हैं काका? साहब भी अच्छे हैं। सर, डेटा ट्रांसफर कंप्लीट। गुड। अजीत से इंडियन एएसएलवी प्रोग्राम के लॉन्च मॉनिटरिंग पैरामीटर्स का डेटा लाओ, जल्दी। एक मिनट सर।
अजीत जी, सर नीड्स द एसएलवी लॉन्च मॉनिटरिंग पैरामीटर डेटा अर्जेंटली। वन मिनट सर, वो डेटा नीना के कंप्यूटर में है और नीना अभी तक आई नहीं। ओके ओके सर, ओके सर, आइए। तुम यहां क्या कर रही हो? मैडम वो हम प्रोफेसर। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। क्या किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? किसी की चीज को हाथ लगाने से पहले उससे पूछ तो लिया करो। लेकिन मैम मैंने तो। तुम्हें क्या पता, तुम इसके बारे में क्या जानोगी? जो भी अच्छा लगा उठा लिया, सबको इम्प्रेस करने में जो लगी हो। लेकिन सुनो मैडम, मैं इम्प्रेस होने वाली नहीं तुम्हारी इस ड्रामेबाजी से। मैडम आप तो। मैंने कहा ना तुम चुप रहो। आइंदा इस रूम में आने से पहले मेरी परमिशन याद से ले लेना, समझी? नाउ गेट आउट। क्या हुआ? रोहित, श्रेया मेरे कंप्यूटर से कुछ चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं रोहित जी, बात कुछ और है। यू शट अप। नीना प्लीज। हाँ जीत बोलो। मैंने उन्हें समझाने की भी कोशिश की पर। अच्छा ओके, वो डेटा कहाँ है? मैंने सीडी में ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, तुम श्रेया को जाके ढूंढो, मैं सीडी लेकर आता हूँ। ओके। मैडम मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांग ली है। माफी तो उसे मांगनी चाहिए थी। देखो रोहित, अगर इसी वक्त तुम श्रेया को कंट्रोल में नहीं लाओगे ना, तो बाद में पछताओगे। सिर पे बैठेगी वो। जानता हूँ। जानने के बाद भी अगर उसे अपने कंट्रोल में लाना है तो ये जो गुस्सा तुम्हारे अंदर भरा हुआ है उसे कंट्रोल करना सीखो, वरना वो नहीं हम पछताएंगे, और वो भी तुम्हारी वजह से। तो तुम भी उसके चक्कर में आ गए? बात ये नहीं कि कौन किसके चक्कर में आया है, बस इतना जान लो कि बहुत जल्द श्रेया मेरे कंट्रोल में होगी। देखिए सारी चीजें। हाय श्रेया। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टाइम पास करता रहता है। अभी तो आया, आते ही काम। काम बिल्कुल नहीं करता तो। अरे ये गीत तो ले। नरेंद्र, नरेंद्र जी। यस। ये चॉकलेट्स। क्या जरूरत थी इसकी? सब में बांट दीजिए। अच्छा सर। हाँ बोलो, क्या है? सर श्रेया मैडम को किसी ने चॉकलेट्स भेजे थे, उन्हें तो चॉकलेट्स पसंद है नहीं, तो उन्होंने कहा पूरे ऑफिस में बांट दो। आप लीजिए सर। अरे नहीं नहीं, ठीक है नहीं। सर आपको तो चॉकलेट बहुत पसंद है सर, लीजिए सर, एक तो लीजिए सर। अच्छा ठीक है जाओ। डिलीशियस रोहित, द चॉकलेट इज ब्यूटिफुल। इतना सॉफ्ट, इतना एक्सक्लूसिव। यू विल लव इट। डोंट वरी, कड़वा बिल्कुल नहीं है। बाय द वे, तुम मुझे वैसे ही चॉकलेट दिया करते थे ना जब तुम मुझे पटा रहे थे। बैड लक, श्रेया को तो चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी खातिर तुम तो खा लो। वाह।
वापस। Preparing to initiate satellite rockets. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cutting motor. Satellite is climbing into orbit. Satellite in stable orbit. Hello. Institute of Pure Sciences. हाँ. Professor Vijay Shastri है. Speaking. Sir, correction procedure was successful. Satellite is now in geostationary orbit. आपके कैलकुलेशन सही थे। Congratulations, sir. My congratulations to you. Sir, congratulations. Congratulate तो तुम्हें भी करना चाहिए श्रेया। तुम्हारी मदद के बिना मैं ये coordination नहीं कर पाता। लेकिन सर, ये success तो आप ही का है। अपने आप को underestimate मत करो श्रेया। तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसे मैं देख सकता हूँ। तुम्हें वही पागलपन है जो मुझ में है। थैंक यू सर। सर क्यों ना हम इसे सेलिब्रेट करें? सेलिब्रेट? नॉट अ बैड आइडिया। ओके, टुमारो इवनिंग में। आज के इस दिन का पूरा क्रेडिट श्रेया को जाता है। वाओ। यस श्रेया, यस। इतने कम दिनों में श्रेया ने इतना कुछ कर दिखाया है। लगता है ये लड़की बहुत जल्द मुझे भी पीछे छोड़ देगी। कीप इट अप श्रेया, मेरे बाद इस इंस्टीट्यूट को तुम्हें ही आगे ले जाना है। थैंक यू। श्रेया मैडम, बधाई हो। जी। कांग्रेट्स। थैंक यू। कल की लौकी इंस्टीट्यूट संभालेगी। इतने सालों से संभाल रहा हूं इंस्टीट्यूट को उस अपाहिज के लिए, और आज कहता है कि वो संभालेगी, हाथ संभालेगी वो। मैं संभालूंगा, मैं इंस्टीट्यूट को, पर श्रेया को भी। सर, ये जो है उसका क्या करें? हाँ, अरे 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 मैडम, ये आपने क्या किया? हाँ? लाइए, मैं धो देता हूँ आपका। नहीं, मैं धो लूंगी। अब फिर यहाँ है बाथरूम। जी। यार ब्रजेश, सारे कॉम्प्लिकेशन की जड़ ये ग्लायोब्लास्टोमा है और ऑपरेशन ही इसका एकमात्र सोल्यूशन है, तो समझता क्यों नहीं यार?
सक्सेस के चांसेस क्या हैं? 30% और 70%? देखो ब्रजेश, यू आर बीइंग डिफिकल्ट, डू यू नो दैट? अशोक, ये दिमाग ही तो है मेरे पास, अगर दिमाग बंद हो जाए तो क्या मतलब ऐसी जिंदगी का? मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। योर लाइफ इज इन डेंजर, समझते हो तुम? डॉक्टर, तुम अननेसेसरीली डरते हो। हाँ हाँ, पता है तुम कितने बहादुर हो, अब मत बताओ मुझे। देखो ब्रजेश, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, समझने की कोशिश करो यार। नो ऑपरेशन। एज यू विश। श्यामलाल साहब का ध्यान रखना, उन्हें ज्यादा काम मत करने देना। जी, समझ गए ना? जी, चलता हूँ। हाँ। साहब जी, श्रेया मैडम ने गिफ्ट लाई है आपके लिए, आपका जन्मदिन है। सर, रात बहुत हो चुकी है, अब आप आराम कीजिए, और फिर डॉक्टर ने भी तो यही कहा है ना? ये किसी की सुने तब ना। वो पागल डॉक्टर तो कुछ भी कहता है, उसे क्या पता, मेरे पास काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम। अगर आप डॉक्टर की नहीं सुनेंगे तो वक्त और भी कम हो जाएगा। अब तो मेरी जिंदगी में काम ही तो है, और क्या है? काम नहीं करूंगा तो जीऊंगा कैसे, किसके लिए? श्यामलाल के लिए। कौन है जो मेरे बाद दो आंसू बहाएगा? कोई भी तो नहीं। साहब जी, आपने ये अच्छा नहीं किया, बेचारी रोती रोती गई। क्या गलत कहा मैंने? क्या आपको सच में लगता है कि आपके जाने पर कोई आंसू नहीं बहाएगा? तुम्हारी बात और है श्यामलाल, मैं तो। साहब जी, श्रेया को बहुत लगाव है आपसे, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, ऐसा मत कीजिए। आज अगर मुझे भगवान मिल जाए तो मैं भी उससे कुछ मांग ही लूंगा, अपने लिए नहीं, उसके लिए। क्या हुआ? क्या हुआ श्रेया? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर रो क्यों रही हो? नहीं तो। कम ऑन श्रेया, किसी ने कुछ कहा? नहीं तो। तो फिर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं इनके लिए कुछ भी नहीं। उनके लिए? किसके लिए? ओ, प्रोफेसर विजेश के लिए। कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुझे? नहीं तो।
हवा तो चल पड़ी है, एक हल्की सी खलीज भी है। सर 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 बुक का काम हो गया हो तो रख दो। श्यामलाल, क्या तुम कभी नाराज हुए हो? नाराज साहब जी, हम हमारी माँ से टूटे थे बचपन में। दो दिन तक बात नहीं की मेरी माँ से मैंने। दो दिन? फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें मनाया कैसे? साहब जी, हमारी अम्मा बहुत मीठा गाती थी। लेकिन आज गाना कौन सुनाएगा? ये तो रूठने वाला जाने। या मनाने वाला? साहब जी, हमको बहुत काम है, हम जाते हैं।
सवाल में सिर्फ तू ही तू है, तेरी आरज़ू है, तेरी जुस्तजू है। हेलो श्रेया। हेलो। नमस्ते श्यामलाल जी। नमस्ते। हेलो सर। सर आपने जो ये डिटेल्स मंगवाई थी वो श्यामलाल, क्या तुम ये भी भूल गए कि मैं क्या पहनना पसंद करता हूँ? लेकिन साहब जी, ये तो श्रेया मैडम की दी हुई गिफ्ट है। अंदर रख दो उसे। श्यामलाल, कुछ भी गिफ्ट में आए तो उसे पहनना ही चाहिए, ये जरूरी तो नहीं है ना? अरे अब इसे क्या हो गया? सर आप जीनियस हो, पर श्रेया की दिल की बात आप नहीं समझ पा रहे। तुम जानती हो ना, तो तुम ही बताओ। नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूं श्रेया ऐसे क्यों चली गई। सर कई बातें ऐसी होती है जो दिल से कही जाती है और दिल से ही सुनी जाती है। अगर श्रेया के दिल की बात आपका दिल नहीं समझ पा रहा तो उसे लफ्जों में ढालकर आपको सुनाना श्रेया के दिल का अपमान होगा। उसके दिल की बात तो मैंने भी सुनी है, पर मैं ये भी समझ सकता हूं कि दिल की बात मानने से उसी के दिल को ठेस पहुंचेगी, तो यही सही होगा कि मैं सुनी को अनसुनी कर दूं। इसमें उसी की भलाई है, नहीं तो। श्यामलाल,
इधर आओ। मन बड़ा चंचल होता है, उस पर रोग न लगाओ तो न जाने कहां ले जाएगा। अगर मन वहां ले जा रहा हो जहां हम जाना चाहते हैं तो उसे क्यों रोके? रोको उसे, नहीं तो ठेस लग सकती है। बर्दाश्त करने का हौसला है मुझ में। वो तो मुझ में भी है, पर तुम्हें दर्द हो ये मैं नहीं सह पाऊंगा। सर, आपके मन की भावनाएं जानती हूं मैं। तो मेरी मजबूरियां भी समझो। जिस दिशा में कोई भविष्य ही ना हो उस दिशा में देखना ही क्यों? भविष्य तो वही होगा जो हम बनाएंगे। छोड़ो ये पागलपन, ये अपाहिज शरीर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ये रिश्ता तो दो दिलों का है, इसमें शरीर है ही कहां। फिर भी अगर मैं इस प्यार का इकरार करता हूं तो मैं अपने आप को हमेशा तुम्हारा गुनाहगार मानूंगा। तुम एक कल्पना हो जिसे चाहकर भी छू न सकूं। सब कुछ देना चाहूं पर कुछ न दे पाऊं तो क्या मतलब ऐसे प्यार का? मुझे जब मेरे आज का पता नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारा कल कैसे दूं? मुझे मेरे कल की कोई चिंता नहीं, मुझे आपका आज चाहिए, जो भी है जैसा भी है। तुम नहीं जानती तुम क्या मांग रही हो। मैं जानती हूं, और मैं ये भी जानती हूं कि अगर आपका आज मेरे पास ना हो तो मेरे लिए मेरा कल मायने नहीं रखता। थोड़ा वक्त तो मुझे प्लीज। कंग्रेचुलेशन सर, आपको प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है। तुम्हें भी। लेकिन सर, ये अचीवमेंट तो आपकी है। एक दिन ये अवार्ड तुम्हें भी तो लेना है। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। हे मैडम, खुशियां मनाइए। श्यामलाल जी। प्रोफेसर ब्रिजेश शास्त्री की तरफ से ये अवार्ड एक्सेप्ट करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मैं सर का एक्सेप्टेंस स्पीच पढ़कर सुना रही हूँ। आई थैंक यू फॉर हैविंग गिवन मी दिस अवार्ड। आप सबको लगता है कि मैंने जीवन में काफी रिसर्च किया है, पर मैं जानता हूँ कि आज जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो शायद मेरे जीवन का सबसे अहम रिसर्च है। आज तक साइंस सिर्फ शरीर तक सीमित रहा है, आज मैं उसे इस सीमा से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से देशों में ऐसा ही रिसर्च हो रहा है। मैं आत्मा के अस्तित्व और उसके साथ कम्युनिकेट करने के डिवाइस पर रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा एक्सपेरिमेंट फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुका है और शायद कुछ ही दिनों में मेरे रिसर्च के रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। थैंक यू। प्रोफेसर शास्त्री, आप ये आत्मा के बारे में कुछ बताने वाले थे? जो कहना था वो सब मेरी स्पीच में था। पर सर, ये रिसर्च तो काफी डिफिकल्ट होगा ना? कार्य डिफिकल्ट है इसीलिए, सामान्य कार्य तो कोई भी कर सकता है। सर प्लीज, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में और नथिंग मोर ऑन दिस टॉपिक। सर आप इतना इम्पोर्टेंट रिसर्च कर रहे हैं तो फिर इंस्टीट्यूट कौन संभालेगा? वैसे भी इंस्टीट्यूट ठीक चल रहा है और इसका पूरा क्रेडिट श्रेया को जाता है। शी इज ब्रिलियंट। मैं जानता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट को बहुत आगे ले जाएगी।
the winner of the Millennium and President Award. वैज्ञानिक ब्रजेश शास्त्री ने अपने अनाउंसमेंट से पूरे जगत को चौंका दिया है। आइए इस बारे में साइंटिस्ट मिस्टर ठक्कर की हम राय पूछते हैं। सर, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? साइंटिस्ट और आत्मा पर रिसर्च, लगता है ब्रजेश पागल हो गया है। हाँ, पागल हो गया है वो। आत्मा पर रिसर्च, पागल हो गया है वो श्रेया के प्यार में। आए तब तो एकदम सीधी साधी लगती थी, पता नहीं क्या चक्कर चलाया, अब तो सर को और कुछ दिखता ही नहीं। रोहित, अगर सर को रास्ते पर लाना है ना, तो श्रेया को। श्रेया की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ उसी की है, उसे ही समझाना चाहिए। श्रेया की जिंदगी बर्बाद कर रहा है वो, अगर वो ना हो तो। वो जितनी मासूम दिखती है ना, उतनी है नहीं, सारे प्रॉब्लम की जड़ वही है। जो भी हो, इस प्रॉब्लम का हल जल्द से जल्द निकालना होगा। डियर श्रेया, तुमने मेरे अंदर छिपी हुई भावनाओं को जगाकर मुझे ये एहसास दिलाया है कि मैं अपने आप से ही दूर भाग रहा था। तुमने मेरी भावनाओं को एक अर्थ दिया है, एक जुबान दी है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को पहचान पा रहा हूं। आज तुम्हारी वजह से मैं खुद को जिंदगी के दर्पण में देख पा रहा हूं, खुद के वजूद को महसूस कर पा रहा हूं। अगर तुम इस जिंदगी में ना आती तो मैं जिंदगी के एक हसीन लम्हे से महरूम रह जाता। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को भूलकर सिर्फ तुम्हें सोचूं, तुम्हें देखूं, महसूस करूं, अपनी उम्मीदों को तुम्हारे सामने रखूं। तुमसे बेहतर इन्हें कौन समझेगा? दिल में बहुत से तूफान उठ रहे हैं जो शायद शायद तुम्हें देखने के बाद ही थमेंगे। वेटिंग फॉर यू, राजेश। मैं तैयार हूं। जीते जी तो किसी के लिए कुछ ना कर सका, मरने के बाद ही सही। और वैसे भी मेरी मृत्यु तो निश्चित ही है, तो क्यों ना इस मौत से मैं दुनिया को कुछ दे जाऊं, कुछ कर जाऊं दुनिया के लिए। Are you sure? क्या तुमने ठीक से सोच लिया है? Yes, डॉक्टर, ब्रजेश शास्त्री और उनके एक्सपेरिमेंट पर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है मुझे उन पर। शाबाश रंजन, शाबाश। हमें तुम पर गर्व है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। दीजिए दीजिए वो फॉर्म, मुझे दे दीजिए डॉक्टर। श्योर श्योर, लो साइन करो। मैं फिलअप कर देता हूँ। कुछ बोलेंगे नहीं? पहली बार इंतजार का एहसास हुआ। आप कुछ कहना चाहते थे ना मुझसे? कुछ दिखाना है। आओ। Yeah, look at that. That graph is moving very fast. Is that equipment tracing properly? This also. Can we get a report? Yes, sir.
How is everything? Sir, everything is fine. Shreya, ये रंजन है. He is in his final stages, and he has consented. तो शुरू करें? Yes, sir. Electromagnetic constraint in place, sir. Electromagnetic constraints in place, sir. मौत के बाद आत्मा के कुछ residual electromagnetic force fields होते हैं. हम इन्हें lock करने की कोशिश करेंगे. जब मौत होगी, तब आत्मा को यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता होगा. इस glass को तोड़ना. जो दो-चार क्षण आत्मा यहाँ रहेगी, उससे हम उसकी कंपोजिशन के बारे में क्लियर हो जाएंगे और फिर आत्मा को हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे. ऑल ट्रेसिंग इक्विपमेंट इन प्लेस सर. सर, द पेशेंट इज इन क्राइसिस स्टेज सर. रिवाइव करने की कोशिश करो. रिवाइव करने की कोशिश करो. रिवाइव करने की कोशिश करो. शॉक शॉक शॉक. सर, रिवाइव नहीं हो रहा है. सर सर, रिवाइव नहीं हो रहा है. हार्ट स्टिमुलेट इंजेक्ट करो. हार्ट स्टिमुलेट इंजेक्ट करो. ओके. सर, वी आर लूजिंग हिम. ओह, लुक द पल्स. स्क्वीज दैट. Complete. हेलो. अरे राम शरण, हेलो. अरे नहीं नहीं, पक्का याद है. बस ये 10-15 मिनट में यहां से निकल रहा हूं. मैडम, प्लीज कीप द सीडी. इस टेस्ट से मेरी थियरी प्रूव हो गई. इट वॉज द फाइनल पीस इन अ जिग्सॉ पजल. यह है मेरा आत्मा से कम्युनिकेट करने का डिवाइस. श्रेया, वो बटन प्रेस करो. अब अगर इस रूम में किसी की मौत हुई तो हम उससे कम्युनिकेट कर सकेंगे. लेकिन सर, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम चाहती हो कि हम साथ रहें हमेशा हमेशा के लिए? मैं भी तो यही चाहता हूं. मैं तुम ही से प्यार करता हूं श्रेया. क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
बहुत जल्द हम शादी करेंगे। शादी के बाद तुम इंस्टीट्यूट को हेड करोगी और फिर क्या सर? फिर मुझे मार डालो। श्रेया रुको, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं अपनी आत्मा को खुद कैसे वापस लाऊंगा वो तो तुम्हें ही लाना होगा ना। थक गया हूं मैं, आज नहीं तो कल ये शरीर दगा देगा ही। सर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होगा सर आपको। मैं आपकी धड़कन बनकर आपको जिंदा रखूंगी, नहीं मरने दूंगी मैं आपको। पगली, तुम भी जानती हो हमारे प्यार के लिए एक ही रास्ता है, मार डालो मुझे और फिर मेरी मौत के बाद मुझे वापस ले आओ। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आकर रहूंगा। अगर इस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मेरी मृत्यु नहीं हुई तो मुझे वापस लाना मुश्किल होगा श्रेया। सर ऐसा मत कहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा करना होगा श्रेया, तुम्हें मुझे मारना होगा। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ये नहीं कर सकती। साहब जी, साहब जी हमें रिश्तेदारों से मिलने जाना है। कब तक आएंगे आप? बस यही दो चार घंटों में आ जाऊंगा। मैडम खाना फ्रिज में रखा है, जब साहब जी का दिल होवे तब खाना गर्म करके खिला देना। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। शुक्रिया साहब जी, हम चलते हैं। तो तुम मेरा कहा नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं सर, सवाल ही नहीं उठता। मरने की बातें करना सर, क्या पागलपन है ये? पागलपन नहीं, सच है। मुक्त होना चाहता हूं मैं इस शरीर से। शरीर के बिना भी मैं तुम्हारे पास ही तो रहूंगा, एक आत्मा के रूप में। हाँ पर मैं तो आत्मा को छू भी नहीं सकती, उसे देख नहीं सकती। सर मैं आपको छूना चाहती हूँ, आपको देखना चाहती हूँ। इतनी जल्दी मैं आपको खोना नहीं चाहती। लेकिन तुमने ही तो कहा था तुम शरीर से नहीं मेरी आत्मा से प्यार करती हो। हाँ करती हूँ, पर वर कुछ नहीं, मुझ पर विश्वास रखो। मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है, मैं अपना सारा रिसर्च दावे पर लगाकर कह सकता हूँ कि ये डिवाइस परफेक्टली चलेगा। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा तुम्हारे लिए। सच मैं कुछ नहीं जानती सर, आपको जीना होगा मेरी खातिर। वो तो मैं भी जानता हूँ, पर अगर इस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मेरी मृत्यु नहीं हुई तो तुम मुझे वापस कभी नहीं ला सकोगी। खो दोगी तुम मुझे हमेशा के लिए, और जैसी मेरी हालत है मुझे तो जीने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। वो उम्मीद मैं जगाऊंगी सर। कुछ नहीं कर पाओगी तुम, मरना तो मैं भी नहीं चाहता, पर तुम्हें पाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ श्रेया, हमेशा हमेशा के लिए।
मुझे खुश देखना चाहते हैं ना, तो मेरे सामने मरने की बातें मत कीजिए। मेरी खुशी इसी में है कि जब तक आप जी हैं, मेरी नजरों के सामने रहे। आपके बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। हाँ, आप जैसे हैं, जिस हाल में हैं, मुझे मंजूर है सर। जिंदगी का हर पल, हर लम्हा मैं अपने आंचल में समेटना चाहती हूँ। मुझसे मेरी ये पल मत छीनिए, प्लीज। आपके बाद मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। सर, ये जिंदगी एक हसीन इत्तेफाक है। जीवन है तो उसे जीना है, तो हम साथ साथ जीते हैं। हाँ, ये जीवन है इसलिए साइंस है, संगीत है, आप हैं, मैं हूं, हमारा प्यार है जिसका कोई अंत नहीं। सर, आपको जीना होगा। हाँ, आपकी श्रेया के लिए। ठीक है। वेल सर, और कुछ लेंगे सर? नहीं, बस काफी है। ओके सर। और श्यामलाल, कैसे हैं तुम्हारे साहब जी? ठीक है, बस जी रहे हैं। देखिए श्यामलाल जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल रखें मतलब? देखो श्यामलाल, अभी तक तो सिर्फ तुम थे, लेकिन अब वो मैडम आ गई हैं। हाँ, तो देखो, अगर मामला और आगे बढ़ा तो वसीयत बदल भी सकती है। और हाँ, साहब जी के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे श्रेया मैडम बहुत अच्छी हैं, और वैसे मुझे चाहिए भी क्या? आज सुबह प्रख्यात वैज्ञानिक बृजेश शास्त्री की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। आज सुबह 4 बजे उनकी बॉडी यहां पाई गई। अनुमान लगाया जाता है कि उनकी मौत गिरने से हुई। प्रीति शेखावत, NTV। इसे फॉरेंसिक लैब में दे दीजिएगा। जी सर। ओके। अब यहाँ क्या लेने आई हो? सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने। कल रात जब मैं जा रहा था, तब तुम साहब जी के साथ लड़ रही थी। अरे, मैंने तो साहब जी को तुम्हारे भरोसे छोड़ा था, और तुम्ही ने उनको। शांत हो जाओ श्यामलाल। मिस्टर रोहित, ये आदमी क्या बोल रहा है? क्या ये सच है? आखिर सच क्या है? देखिए, प्रोफेसर ब्रजेश की मौत से सबको गहरा सदमा पहुंचा है। इस वक्त कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। आप लोग धीरज रखिए, वक्त आने पे आपके सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। प्लीज चलो श्रेया। बैठो श्रेया। श्रेया,
श्रेय रिलैक्स। रोहित ये सब क्या हो रहा है? श्यामलाल वो ऐसा क्यों कह रहा है? श्रेया जो भी हुआ श्यामलाल के मन को शौक लगना स्वाभाविक है। लेकिन वो मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहा है? मैंने क्या किया है? श्रेया कल रात सर के साथ तुम थी और उन्हें आखिरी बार जिंदा भी तुम ही ने देखा था। यानी तुम्हारी कहने का ये मतलब है कि कोई कुछ नहीं कह रहा है श्रेया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो श्यामलाल कह रहा है वो सच हो। रोहित तुम जानते हो सच? सच क्या है? मेरे जानने से कुछ नहीं होगा श्रेया, पुलिस तो वही मानेगी जो श्यामलाल कहेगा, क्योंकि वो सर का सबसे वफादार सेवक जो ठहरा। तुम कुछ भी कहो श्रेया, श्यामलाल के इन आरोपों के बाद तुम्हारा इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनना तो नामुमकिन है, और शायद नया डायरेक्टर मैं ही बनूंगा। और हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बचाने की कोशिश जरूर करूंगा, पर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूं। रोहित श्रेया, श्रेया तुम ही किस आदमी के चक्कर में पड़ गई थी? श्रेया मैं तुम्हें वो हर सुख दे सकता हूं जो तुम्हें उससे कभी नहीं मिलते, और श्रेया ब्रजेश सर की सारी रिसर्च हम कंप्लीट करेंगे और उसका क्रेडिट भी आपस में शेयर कर लेंगे। नहीं रोहित, सर का क्रेडिट उन्हें ही मिलना चाहिए। श्रेया तुम उस आदमी को कभी समझ ही नहीं पाई, अच्छा नहीं था वो। रोहित तुम सर के बारे में क्या सोच रहे हो? तुम गलत हो, सर ऐसे नहीं थे और अब तो वो है भी नहीं। और जो इंसान गुजर जाता है उसके बारे में कोई भी बुरा नहीं कहता, लेकिन तुम तो। अच्छा ठीक है मैं सर के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, तुम सिर्फ इतना बोलो तुम मेरा साथ दोगी या नहीं। देखो श्रेया सोचने का वक्त नहीं है, तुम मेरे साथ हो या नहीं? नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम कितनी बुरी तरह फंस चुकी हो, एक मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं। अरे ब्रजेश की सारी रिसर्च का क्रेडिट मैं अकेले ले सकता हूं, कौन रोकेगा मुझे बोलो? और मैं ये क्रेडिट तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो श्रेया। वैसे ही जैसे नीना तुम्हें अच्छी लगती है। अरे नीना को छोड़ो तुम, अगर तुम मेरे साथ आई तो नीना को इंस्टीट्यूट से बाहर समझो, तुम नीना की टेंशन मत लो श्रेया। यानी मुझे भी वही करना होगा जो तुम्हारी नीना करती है? क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ तुम्हें भी वही सब करना होगा जो नीना करती है, और कोई चारा है तुम्हारे पास? फंसी हुई हो तुम, बचा रहा हूं मैं और फिर भी उल्टी बात। देखो श्रेया मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? नहीं। अगर ये तुम्हारा जवाब है तो तुम मेरा जवाब भी जल्द ही सुनोगी। पहले मैं भी यही मानता था कि श्रेया निर्दोष है, एकदम सीधी साधी दिखती है वो, पर अब जब सब बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं तो आई एम नॉट श्योर। सर तो किसी पर भी विश्वास कर लिया करते थे, बहुत सीधे थे वो, पर श्रेया बहुत ही कम दिनों में उनके काफी करीब जा पहुंची थी, और अब तो मुझे श्रेया का पूरा बिहेवियर ही सस्पिशियस लगता है। दैट्स इट। थैंक यू मिस्टर रोहित। कमिश्नर साहब इतने बड़े साइंटिस्ट की मौत हुई है और अभी तक पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया, उनके साथ हादसा हुआ है या उनका कत्ल हुआ है?
कमिश्नर साहब, प्रोफेसर की डेथ एक्सीडेंट थी या फिर मर्डर? इस तरह प्रेस को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? देखिए, प्रोफेसर ब्रिजेश की मौत एक सेंसिटिव इशू है। पूरी देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है। बेस्ट ऑफ माय ऑफिसर्स आर ऑन द केस। ठीक है, तुम प्रोफेसर साहब को कब से जानते थे? 15 सालों से, जब से मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन की है। अच्छा, जब ये हादसा हुआ तब तुम कहाँ थे? उस दिन तो छुट्टी थी, मैं घर पर ही था। तुम्हारे घर पर तुम्हारे अलावा और कौन कौन है? जी कोई नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हारे घर पर होने का तुम्हारे अलावा और दूसरा कोई भी गवाह नहीं है। क्या छुट्टी के दिन भी इंस्टीट्यूट में काम होता है? सर तो किसी भी वक्त एक्सपेरिमेंट करते थे। क्या ये तुम जानते हो कि उस रात भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था? नहीं सर। क्या तुम कुछ भी जानते हो? इतने सालों से तुमने कुछ काम नहीं किया और तुम्हारा प्रमोशन भी नहीं हुआ, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन सर मैं तो काम करता हूँ। अच्छा, अब ये बताओ कि प्रोफेसर ब्रिजेश हमेशा ही ऐसी सीक्रेसी मेंटेन करते थे? नहीं, वैसे इनका स्वभाव ऐसा सीक्रेटिव नहीं था, पर ये प्रोजेक्ट ही कुछ ऐसा था। उन्हें श्रेय पर काफी भरोसा होने लगा था। कब से? पिछले एक महीने से वो दोनों काफी करीब आ चुके थे। उनके इस रिलेशनशिप के बारे में बाकी लोगों की राय क्या थी? किसी को कोई एतराज नहीं था। हाँ, सिर्फ रोहित को। अच्छा, उस रात कहां थे? मैं पब में गया था अकेले। पर तुम तो अकेले जाना पसंद नहीं करते। हाँ, पर उस दिन नीना बिजी थी। श्रेया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? श्रेया तो अच्छी लड़की है। लेकिन वो किसी को मार भी सकती है। ऐसा किसने कहा? उस दिन तुम्हीं ने तो प्रेस को इंटरव्यू दिया था ना कि। हाँ, उस दिन हालात ही कुछ ऐसे थे, हादसा तो हुआ था, और श्रेया के अलावा और हो भी कौन सकता है? शायद श्यामलाल, पर इतने सालों को वफादार नौकर ऐसा क्यों करेगा? अच्छा, श्रेया और प्रोफेसर के बीच के संबंधों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? It was a professional relationship. पर मैंने तो कुछ और सुना है। हाँ, शायद you're right. पर मैं, I mean, मुझे उनकी रिलेशनशिप से क्या फर्क पड़ता? अगर वो दोनों करीब आते तो तुम्हारी पोजीशन को खतरा हो सकता था। कैसा खतरा? श्रेया तो मुझसे बहुत जूनियर थी। हाँ, दिखती थी उतनी सिंपल है नहीं वो। उस रात श्यामलाल को बाहर जाने की परमिशन उसी ने दी थी। You're right. वरना श्यामलाल प्रोफेसर ब्रिजेश को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाता। और शायद आज सर जिंदा होते, यही कहना चाहती हो ना तुम? अच्छा, उस रात तुम? मैं तो घर में ही थी। पब नहीं गई? नहीं, मैं रोहित से मिली थी और फिर वो घर चला गया। शायद उसके सर में दर्द था। लेकिन वो तो कह रहा था कि वो पब गया था। हो सकता है, इट इज पॉसिबल। हाँ, उसी ने मारा है मेरे साहब जी को। कितना अच्छा नाटक करती है। अब तक मैं भी उसे बहुत भोली भाली और मासूम समझता था। लेकिन आपको पहली बार शक कब हुआ? साहब, बहुत देर हो चुकी थी। अगर थोड़ा पहले शक आता था ना, तो शायद मेरे साहब जी आज जिंदा होते। वापस आकर आपने क्या देखा? साहब जी, मैं आया
सीधा साहब जी के कमरे में गया तो साहब जी नहीं थे। फिर मैं लैब गया, उधर जाने के बाद देखा तो व्हीलचेयर पड़ी थी और साहब जी, मैं तो डर गया, चिल्लाने लगा मैं। फिर क्या हुआ? साहब जी पड़े हुए थे मर के, मेरी चीखें सुनकर अजीत वहां दौड़ा चला आया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो यही कहती है कि उनकी मौत रात को 1:30 बजे हुई। उस वक्त तो आप पार्टी में थे? हाँ साहब, हम पार्टी में थे, लेकिन मेरे आने तक श्रेया मैडम रुके क्यों नहीं? लेकिन उसका कहना तो है कि प्रोफेसर ब्रजेश ने उसे घर जाने के लिए कहा था। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही है वो लड़की। उसका फैसला बाद में करते हैं। अरे उस दिन तो मेरी मती मारी गई थी, अगर अगर उस दिन मैं उधर नहीं जाता था ना तो शायद मेरे साहब जी आज आज जिंदा होते। मेरे साहब जी रोहित, तुम्हें क्या लगता है सर कैसे मरे? मुझे क्या पता यार। तुम सच में नहीं जानते? नहीं स्वीटहार्ट, मुझे वाकई कुछ नहीं पता। और वैसे भी उस रात तो मैं पब गया था। क्यों? नहीं, मुझे लगा कि शायद तुम क्या? कुछ दिन पहले तुम कह रहे थे ना कि अगर सर ना हो तो मुझे लगा कि शायद तुम। कम ऑन यार, ये सब बोलने की बातें हैं। और वैसे भी आदमी जो बोलता है हमेशा वही थोड़ी करता है। I'm sorry रोहित, मैंने तुम पर शक किया। भूल जाओ यार, होता है। प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। प्रेशर सर? यही तुम्हारे केस के बारे में। और प्रेस वाले तो जैसे हाथ धो के पीछे पड़े हैं। खैर प्रेस वालों को तो मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन ऑपोजिशन वाले सीएम को बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, उन्हें संभालना जरा मुश्किल होगा। वो क्वेश्चन राइज करेंगे, इनएफिशिएंसी ऑफ होम मिनिस्ट्री कहेंगे। हो सकता है सीएम को रिजाइन करने के लिए भी कह दे। सब ठीक हो जाएगा सर। सीएम तो नहीं हटेंगे, मेरा ट्रांसफर जरूर हो जाएगा और हो सकता है तुम्हारे रिकॉर्ड में एक काला धब्बा लग जाए। और पुलिस फोर्स की बदनामी होगी सो अलग। खैर तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन तो तुम एक दो दिन में पूरा कर ही दोगे। लेकिन सर, दैट्स द लिमिट, वक्त बहुत कम है, अंडरस्टैंड? यस सर। सर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। मैं कैसे मान लूं? मैं 1 बजे ही निकल गई थी। ऐसा तुम कहती हो? चाहे तो सर आप हॉस्टल में पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की थी, वॉचमैन का कहना है कि तुम लेट आई थी, पर कितना लेट ये नहीं बता पाया वो। सर कम से कम आप तो विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। श्यामलाल को तो ऐसा नहीं लगता, और ना ही रोहित और नीना को। लेकिन और भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि मैं बेकसूर हूँ। देखो, लोगों के मानने से कसूरवार बेकसूर नहीं हो जाता, और अब तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हो। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, क्या उसे कबूल करना ही
कोऑपरेशन है। अब तुम मुझे शब्दों में उलझाने की कोशिश कर रही हो। सर बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया है। देखो मैं इस केस की फाइल को जल्द से जल्द क्लोज करना चाहता हूँ। मेरे पास बहस करने के लिए वक्त नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपना जुर्म खुद कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई भी है, वरना मजबूरन मुझे इंक्वायरी के लिए तुम्हें कस्टडी में लेना होगा, जहां तुम्हारा मुंह खुलवाना बहुत आसान होगा। मैं कल ही पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करूंगा और कल रात के बाद कुछ दिन तुम हमारे साथ बिताओगी लॉकअप में। जरूर आऊंगा तुम्हारे लिए।
प्रिया। रो क्यों रही है पगली? ये तो खुश होना चाहिए। मैं तुम्हारे पास वापस जो आ गया हूँ। सर, आप मुझे छोड़कर गए क्यों? क्या करना, जो हुआ उसे मैं रोक नहीं सका। लेकिन सब लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे कि मैंने आपको मार दिया। बोलिए सर, आपने ऐसा क्यों किया? मैं सब जानता हूँ पर कुछ नहीं कर सका। अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आखिर आपने वही किया ना जो आप चाहते थे। मैंने कुछ नहीं किया, जो होना था हो गया। लेकिन क्यों सर? क्या करता मैं, अपाहिज था, मजबूर था। लेकिन आपने मुझसे कहा था, मुझसे वादा किया था कि आप आत्महत्या नहीं करेंगे। वो वादा तो मैंने निभाया। लेकिन आप तो उसी रात सर, सर तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, चुप क्यों हो गई? बोलो, क्या करने आई थी यहाँ? जरूर कोई सबूत मिटाने आई होगी। मैं सर से बातें करने आई थी। सर से बातें? क्या पागल हो गई हो तुम? मरे हुए लोग बातें नहीं क्या करते? लेकिन आत्मा तो बातें कर सकती है ना? आत्मा? कौन सी आत्मा? किस आत्मा की बात कर रही हो तुम? सर, सर की आत्मा? हाँ, यानी सर मर गए और आत्मा यही छोड़ गए। नीना, तुम जानती हो सर आत्मा पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट नहीं, पागलपन था वो। और वैसे भी वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था। कंप्लीट हुआ था सर। सर यही मौजूद है, वो मुझसे बातें कर रहे थे। सर से बातें? हमने तो कुछ नहीं सुना। हाँ, शायद हमारे आते ही उन्होंने बोलना बंद कर दिया हो। नहीं। पागल हो गई हो तुम, पागल। संभालो अपने आप को। मैं सच बोल रही हूँ, वो अभी अभी मुझसे बातें कर रहे थे। देखो श्रेया, तुम्हारा यहाँ आना और सर की आवाजें सुनना सब तुम्हारे इसी पागलपन का नतीजा है। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम यहाँ आई, अब तुम्हारे खिलाफ पुलिस का केस और मजबूत बनेगा। अब तो तुम इसी वक्त हवालात जाओगी श्रेया। श्यामलाल, पुलिस को फोन करो। सोच क्या रहे हो श्यामलाल? सुना नहीं नीना ने क्या कहा? श्यामलाल ठहरो। हाँ? कौन कौन बोला? कौन है यहाँ? रोहित, क्या तुम मेरी आवाज भी भूल गए? क्या ये भी भूल गए कि श्रेया के जाने के बाद तुम मुझसे मिलने आए थे, हमारे बीच बातें हुई और तुमने मेरा कत्ल कर दिया? भूल गए ये सब? हाँ श्रेया, इसी ने मुझे मारा और फिर तुम पर इल्जाम भी इसी ने लगाया। और
श्यामलाल? वो तो भोला है, सच में ही तुम्हें गुनहगार समझ बैठा। साहब जी, साहब जी, आप वापस आ गए। मुझे तो लगा इस लड़की ने आपको। मैं सब जानता हूं श्यामलाल, तुम्हारी कोई गलती नहीं। साहब जी, लेकिन अब मैं सब सच जान गया हूं। रोहित, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया रोहित। अब मैं पुलिस के पास जा रहा हूं, उन्हें उन्हें सब कुछ बता दूंगा और वो तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। अब तुम नहीं बच सकते, अब तुम नहीं बच जाओगे श्यामलाल। रोहित, तुम कब तक अपना जुर्म छुपाओगे और कितने लोगों को मारोगे तुम? बस दो चार घंटों में पुलिस आ जाएगी और फिर? और फिर क्या क्या कहोगी तुम पुलिस से? यही कि प्रोफेसर ब्रजेश की आत्मा ने तुम्हें बताया कि मैंने उन्हें मारा? कौन मानेगा तुम्हारी इस बात को? मैं ये मशीन उन्हें दिखाऊंगी, श्यामलाल जी उन्हें बताएंगे। श्यामलाल, वो अगर जिंदा रहेगा तो बोलेगा, और वैसे भी कौन यकीन करेगा उस पर? आज तुम्हें कातिल कहता है, कल मुझे। और रही बात तुम्हारी इस मशीन की, इसे तो मैं अभी। रोहित, तुम इस मशीन को मत छूना वरना मैं तुम्हें। वरना क्या कर लोगी तुम? जब ये मशीन ही नहीं रहेगी तब पुलिस तुम्हें और तुम्हारे इस श्यामलाल को पागल ही समझेगी, है ना? रोहित, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ। क्या क्या कर लोगे तुम? जब जिंदा थे तब कुछ नहीं कर सके, अब मरने के बाद क्या बिगाड़ लोगे मेरा? रोहित, तुमने श्रेया को पार्टनरशिप की ऑफर दी थी और नीना को भी निकालने को तैयार थे तुम। हाँ, मैंने उसे ऑफर दी थी पर उसने मेरी ऑफर ठुकराई और नतीजा सामने है। अब तुम मुझे कैसे रोकोगे? और तुम्हारी इस मशीन को तोड़ने के बाद श्रेया को निर्दोष कौन मानेगा? यानी मैं जीत गया। श्रेया तो निर्दोष है, और सबसे बड़ी बात उसका मन साफ है, वही है जो इंस्टीट्यूट चलाने के काबिल है। तो रोहित, तुम इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनने का ख्वाब छोड़ दो। श्रेया निर्दोष है पर दुनिया उसे ही दोषी मानेगी। तुम कुछ नहीं कर सकते ब्रजेश। तुमने मुझे मारा, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अपनी हरकतों से साइंस का मजाक उड़ाया, फिर भी मैं चुप रहा। पर अब जब तुम श्रेया जैसी निर्दोष पर ऐसे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुम नहीं जानते इस आत्मा की शक्ति को। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं रोहित, बहुत कुछ। शमलाल जी, उठिए। श्रेया मैडम, आप तो ठीक है ना? हाँ, हाँ। ये सब क्या है? मैं पुलिस को बुलाता हूँ। Thank you.
मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मैं तो सिर्फ उस रात सर को समझाने गया था। श्रेया, रात बहुत हो गई है, अब तुम घर जाओ। बाय सर। रोहित, तुम यहाँ? सर, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या? आप मुझसे मेरा हक मत छीनिए। कौन सा हक? सीनियर होने के नाते आपके बाद इस इंस्टीट्यूट को चलाने का हक सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं। बात सीनियरिटी की नहीं, बात काबिलियत की है। मैं क्या किसी से कम काबिल हूँ? वो कल की लड़की, वो क्या मुकाबला करेगी मेरा? मैं जानता हूँ कि वो मुझसे मुकाबला करने की सोच भी नहीं सकती। अगर वो ऐसा कुछ कर रही है तो सिर्फ इसलिए कि आप उसके पीछे खड़े हैं, चाहने लगे हैं आप उसे। बस रोहित, बस बस, बहुत हो चुका। आप मुझे बस कह रहे हैं? अरे बस तो आपको करनी चाहिए। इतनी अच्छी लड़की को गलत ख्वाब दिखाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। आपकी चाहत ने आपको अंधा बना दिया है। उसे पाने के लिए आप उसे मेरा हक तक देने को तैयार हो गए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रोहित, कंट्रोल योरसेल्फ। रोहित, व्हाट ब्लडी हेल कंट्रोल? मुझसे मेरा सब कुछ छीनकर मुझे कंट्रोल करने को कह रहे हो? शादी करना चाहते हो श्रेया से? क्या दे सकोगे उसे? अरे अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकते हो तुम। छोड़ दो श्रेया को, खुश रखूंगा मैं उसे। सुन रहे हो? खुश रखूंगा मैं उसे। रोहित, तुम घर जाओ। रोहित, हम कल बात करेंगे। कल नहीं, आज इसी वक्त फैसला करना है मुझे। कैसा फैसला? यही कि श्रेया को आप छोड़ोगे या नहीं। क्या आप मेरी बात मानोगे? नहीं रोहित, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा ही लगा था, मुझे ऐसा ही लगा था। देखो, मुझे मजबूर मत करो, मत करो मजबूर मुझे। मान जा, मान जाओ, मान जाओ। नहीं मानोगे तुम? नहीं। देखो, मजबूर मत करो मुझे, मत करो मजबूर मुझे। क्यों किया मजबूर मुझे? क्यों किया मजबूर मुझे? मिस्टर रोहित, आप होशियार तो बहुत निकले, पर खैर चलिए, अब हमें भी अपनी खिदमत करने का कुछ मौका दीजिए। आइए, चलो चलो। अब तो खुश हो ना तुम? आप जो मुझे फिर से मिल गए, लेकिन अब तो आप मेरे पास ही रहेंगे ना? हाँ,
चाहता तो मैं भी यही हूं, पर तुम्हारे साथ हमेशा तो नहीं रह सकता। मरने के बाद मुझे समझ में आने लगा है कि आत्माओं के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें मैं चाहते हुए भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? सीखना होगा तुम्हें श्रेया। आप ही तो मेरा सहारा है, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी? मेरी सारी उम्मीदें तो आप ही से जुड़ी हैं। अरे पगली, क्या तुम और मैं अलग हैं? एक ही तो हैं हम। तुम जब भी अपने दिल में झांकोगी मुझी को पाओगी। तुम्हारे सुख दुख के हर क्षण में, जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारा हाथ थाम कर। मैं जानता हूं कि तुम मेरे इंस्टीट्यूट को, मेरे सपनों को उस मकाम तक ले जाओगी जहां आसमान भी शीश झुकाए खड़ा होगा। पर मेरे सारे सपने वो तो आप ही में बसे हैं ना, उनका क्या होगा? वो तो अधूरे रहेंगे ना। यही अधूरे सपने तुम्हें जीने की उम्मीद जगाएंगे श्रेया। इन्हीं के रूप में मैं तुम्हारे पास रहूंगा। हमारा प्यार सात जन्मों को नहीं, काल कालांतर को लांघने वाला प्यार है। इतना पवित्र प्यार दोबारा किसी युग में नहीं होगा। और ऐसे प्यार को पाने के लिए अगर भगवान हमारे सामने एक जन्म की जुदाई की शर्त रखता है तो हमें खुशी खुशी मान लेना चाहिए। ऐसा करके हम एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए पा लेंगे। जब भी तुम्हारा दिल धड़केगा तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी श्रेया। जब भी तुम मेरे नाम की सांस लोगी मुझे ही मुझे पाओगी। Oh,